महासमाजवादी विचारक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 95वीं जयंती गुरुवार को समाजवादी पार्टी के बेतेहाता स्थित कार्यालय पर पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि पिछड़ों और वंचितों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे समाजवादी नेता थे, उन्होंने पिछड़े समाज को कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़के अधिकार दिलाने का काम किया। उनकी सादगी और ईमानदारी का लोहा उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते थे। इस श्रद्धांजलि सभा में जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, जवाहरलाल मौर्य, अवधेश यादव, मिर्जा कदीर बेग, दयानंद विद्रोही, सिंहासन यादव, रामलखन पासवान, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, राघवेंद्र तिवारी, राजू मैना भाई, संजय यादव, जितेंद्र यादव, हरवान यादव, इंजीनियर विजय शंकर यादव, सुनील यादव, जयप्रकाश यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है। कर्पूरी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे जरूर, लेकिन उन्होंने पूरे पिछड़े समाज को, कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ाई लड़ करके अधिकार दिलाने का काम किया। और यहाँ तक कि जो मंडल कमीशन आयोग में बीपी मंडल साहब ने जिन चीज़ों को अपने वर्जन में लिया, वो कर्पूरी बाबू की लड़ाई की देन थी। आज जो लड़ाई उन्होंने लड़ा था कि सन सोपा ने गांधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, तो 100 में 60 तो नहीं मिला, लेकिन 100 में 27 मिला। और इस 27 पर भी भारतीय जनता पार्टी आज खतरा बनाए हुए है, इसलिए और प्रासंगिक हो गए हैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर साहब कि कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन को हम लोग मनाएं। यह एक तरह से न्याय दिवस है, सामाजिक न्याय दिवस है। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोग जिन्होंने हम लोगों को, पिछड़ों को अधिकार दिलाया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, इसलिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है।